चाचा। तुम कौन हो? हाँ, तुम कहें मेरे भाई अहमद तो नहीं? आखिर को आ ही गए। उस्मान मेरी जान ले लेगा, इससे पहले कि वो मुझे ढूंढ ले, मुझे मेरी कश्ती तक पहुंचा दो। मैं जाना चाहता हूं बस, मुझे यहां से जाना, इससे पहले कि वो मेरी जान ले। चाचा मैं हूं। उस्मान, तुम उस्मान हो? मैं भीख मांगता हूं तुमसे, खुदारा जान मत लेना मेरी। दोस्त और सल्तनत की कोई ख्वाहिश नहीं है मुझे। चाचा मैं मुराद। मुराद, शहजादे मुराद। उस्मान ने हमें साथ दे लिया तो हमारी जान ले लेगा। चाचा उस्मान भाई की वफात हो गई है और उनके बाद पाए तख्त का बादशाह मैं हूं। उस्मान मर गया हो? जान बच गई मेरी, बाहर निकल सकता हूं। हाँ, उस्मान कत्ल हो गया। उससे कहा था मैंने, तख्त नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, मगर मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि गिलाफ चढ़ा दिया था। मैं गिड़गिड़ाया मगर मेरी एक न सुनी। वो बुरा वक्त बीत चुका है चाचा, उसे याद ना करें, उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, बेकसूर हैं आप। तो फिर मैं यहां क्या कर रहा हूं बताओ? हमारे आका कहाँ है? वालिदा सुल्तान, वो महल से बाहर नहीं गए लेकिन हरम में भी नहीं है। मेरे आका वो कह रहे थे कि आज रात सुल्तान मुस्तफा के हुजरे में गुजारेंगे। सुल्तान मुस्तफा के हुजरे में? मगर क्यों? बिल्कुल नहीं जानता मेरे मालिका। लेकिन उन्होंने कहा कि कल सुबह हम सब के लिए एक नया दिन होगा। सुना था आपको कश्तियां बहुत पसंद हैं, एक हुजरे से दूसरे हुजरे में भी कश्ती में ही जाना चाहते थे। हाँ, लेकिन
उन लोगों ने यह नहीं बताया कि मैं मछलियों को सोना डालता था। हाँ, लेकिन देख लो, वो मछलियां नहीं थी, वो गुलाम थी मेरी। उनको इस हद तक सोना देना है मुझे कि वो वफादार हो जाए और जान ना ले। ऐसे ही है ना, गुलामों को हमेशा देने वाले हाथ पसंद आते हैं। और जिस दिन बादशाह उनको देना बंद कर देता है, वो वही हाथ काट खाते हैं। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम्हें कौन सी हवा यहां खींच लाई? बात करना चाहता था, क्योंकि सिर्फ आप ही मुझे समझ सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, आप एक बादशाह रहे हैं। हकीकत है ये, मेरी कोई भी हुकूमत नहीं, ना ही ताकत है, ना ही आवाम है, लेकिन बादशाह हूं। बेशक अल्लाह का एहसान है मुझ पर, और साथ ही साथ लानत भी है। दीवाना कहते हैं मुझे, लेकिन हूं नहीं। अक्ल और रूह के दो हिस्से होते हैं सारे बादशाहों के मुराद। एक तरफ है मुराद और दूसरी तरफ सुल्तान मुराद। एक तरफ वो है जिसे हर चीज से खौफ आता है, दुख होता है, तकलीफ होती है, दिल टूटता है, दूसरों से जलता है, मोहब्बत करता है, और वो जो भी करता है उसको उसका हिसाब देना होता है। और दूसरा वो है जो हर चीज से ऊपर है, उसके फैसले के आगे पूरी दुनिया झुकती है। इन दोनों को साथ लेके चलना बोझ है। हाँ, बोझ है, लेकिन ऐसा बोझ जिसे उठाना मजबूरी है। और अगर तुम ये बोझ ना उठा सके तो उस्मान की तरह मर जाओगे, या फिर मेरी तरह अकल खो बैठोगे। तो फिर इस बोझ को उठाना कैसे मुमकिन है? शायद सारी लड़ाई ही मीजान की है कि कौन सा ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे रह जाएगा। हाँ?
नाम सल्तनत ताकत। वैसे ये सब कुछ तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या मालूम? अगर मालूम होता तो शायद मैं इस हाल में ना होता। अब तो मुझसे कोई मिलने तक नहीं आता है सुचरे में, दिल रुबा भी नहीं, कोई नहीं है मेरा, बिल्कुल तनहा हूं। आगाओं को आवाज देता हूं, शाहबलूत ला कर दो मुझे, कोई आवाज तक नहीं सुनता। मेरे आका, फौरन दीवान से मंसूब पाशाओं को खबर करो, और इसके अलावा आजाद महमद पाशा और कमान कश को भी बुलाओ। जो हुक्म मेरे आका। मेरे सुल्तान, सुबह खैर। हमारे आका हुजरे से निकल चुके हैं और उन्होंने फौरी दीवान जमा करने का हुक्म दिया है।
दीवान क्यों जमा हो रहा है, कुछ मालूम कर सके हाजी? मलिका, मेरे पास कोई मालूमात नहीं, लेकिन आजाद मेहमत पाशा और कमानकश को भी दीवान में आने की दावत दी गई है। मेहमत पाशा से कहो जैसे ही दीवान खत्म हो मेरे पास आए। जो हुक्म मेरी मलिका। मेरी सुल्तान, अल्लाह के पाक नाम से मैं इस दीवान का आगाज करता हूं। पाया तख्त में जो आग लगी थी और उसके बाद जो वाकयात हुए उनको मद्देनजर रखते हुए कुछ फैसले किए हैं मैंने। और खते हुमायूं में मैंने अपना फैसला दर्ज कर दिया है और यह खत सल्तनत में फैला दिया जाए और सारे उलमा उसूलों के तहत ऐलान करेंगे और इस पर अमल भी। मेरे तजस्सुस को माफ कीजिएगा मेरे आका, वो क्या है जो आपने खते हुमायूं पर दर्ज कर दिया है? सब्र कीजिए, जान लेंगे। मेहमत पाशा, हुक्म कीजिए आका। तुम्हें बेलरबे के ओहदे से फारिग कर दिया गया है और अब से तुम मेरे कुब्बे वजीर हो। यह मेरे लिए बायस फख्र है मेरे आका। अल्लाह आपको खुश रखे। कमानकश मुस्तफा, तुम्हें भी सारे वजीफों से फारिग कर दिया गया है। आज के बाद तुम आगाओं का सरबराह बनकर छावनी संभालोगे। तमाम नौसीखियों की तरबियत अब तुम करोगे। आका, आपने मुझे हमेशा दिल खोल कर अदा किया है, मेरा रब मुझे कभी आपके सामने शर्मिंदा ना करे। अब बात करते हैं असल मसले की। जो मैंने फैसले किए हैं इंशाल्लाह खैर का वसीला बनेंगे। सिनान पाशा। मेरे आका। पढ़ो इसे। मैं इस जमीन पर अल्लाह का नुमाइंदा हूं, तीन बर्रे आजम और सात समंदरों का बादशाह सुल्तान मुराद। मैंने देखा कि निजामे आलम की बेहतरी के लिए कुछ तब्दीलियां करना जरूरी हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तंबाकू के इस्तेमाल को खत्म कर देना चाहिए। कुछ ही सालों पहले तंबाकू का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में आया, जिसकी वजह से कई बार आग लग चुकी है और कई किस्म के फसादात भी हुए हैं। आज के बाद किसी भी शख्स के लिए तंबाकू नोशी करना, उसकी काश्तकारी करना या लेन देन करना हर हाल में मना है। अल्लाह अल्लाह, ये कैसा जुल्म है, ये कैसे हो सकता है? क्या मर सकता है, ये नहीं सकता, होगा भी नहीं सकता, ये तो सरासर जुल्म है। इतने अरसे से अवाम अपने कामों से मुंह फेर कर कैबे खानों में वक्त गुजारती है, जो के दर हकीकत फितना और फसाद का घर है, इसलिए उन सबको बंद कर दिया जाएगा। ये सब बंद करने से क्या हो जाएगा, कोई समझाएगा मुझे? हमारे कारोबार का क्या होगा, किसी ने सोचा है? मासूमों और गद्दारों को एक दूसरे से अलग करने के लिए ये फैसला किया गया है कि ईशा के बाद दो से ज्यादा लोग एक साथ घूमते नजर ना आए और बगैर चिराग कोई बाहर नहीं निकलेगा। अब क्या हम सड़क पर भी नहीं निकल सकते, घर में कैद हो जाएं? जो बादशाह के हुक्म की इताअत नहीं करेंगे उन लोगों को कवानीन के तहत सजाए मौत दी जाएगी। किसी भी सिपाही या नौसिखिए को इन कवानीन में रियायत नहीं दी जाएगी, चाहे कोई फौज से ही क्यों ना ताल्लुक रखता हो।
उसको किसी पर बरतरी हासिल नहीं है। अगर किसी ने भी इन कवानीन पर अमल ना किया तो उसके हाथ पांव काटकर इस सल्तनत से लाताल्लुक कर दिया जाएगा। ये क्या बात हुई? अगर कोई तंबाकू नोश करेगा तो उसकी जान ले ली जाएगी। हम हरगिज बादशाह सलामत का ये फैसला नहीं मानेंगे। ये सरासर जुल्म है, इसे गिरफ्तार करो फौरन। ये तो सरासर जुल्म हो रहा है हमारे साथ। हमसे हमारी आजादी छीनी जा रही है। तो आका ने फैसला कर लिया है फितना फसाद की जड़ों को खत्म करने का। इंशाल्लाह ये खैर का वसीला होगा। आमीन। हम भी तो सुकून कायम करना चाहते हैं। इंशाल्लाह ये एकदम अच्छा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन आवाम ये सब इतनी जल्दी कबूल नहीं कर पाएगी। वो अपनी अकल के मुताबिक अमल करेंगे। हमारा भी हक बनता है कि हम आका के इस काम में उनकी मदद करें। इस कैफे खाने को बंद करो। इन फैसलों के साथ साथ आका ने मुझे कुब्बे वजीर भी तायिन कर दिया है। अब इस महल में मैं आपकी आंख और कान होऊंगा। आला। और कमानकश, उसे भी दीवान में बुलाया गया था। कमानकश अब आपका पहरेदार नहीं रहा, वो अब से छावनी का सरबरा है। इंशाल्लाह खैर होगी इसमें। निजामे सल्तनत को चलाने के लिए यही बेहतर है। लेकिन मुराद का यह फैसला जानकर मुझे बहुत हैरत हुई कि महज तंबाकू नोशी करने की सजा सजाए मौत होगी। जब तक आपका साया हमारे सर पर है, हम हर मुश्किल से निमट लेंगे मेरी मलिका। मलिका, कल रात इत्तेफाकन मेरी सिलेतार आगा से मुलाकात हुई और उन्होंने एक बात की जो मैं समझ नहीं सका। क्या है वो? मुझे कहा कि मैं इस खानदान का दामाद बनने वाला हूं। उसके कान में ये बात कैसे पड़ी हैरत है। अभी मैंने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। आप जैसा मुनासिब समझे मेरी मलिका। आजाद मेहमद पाशा, एक मौजू है जिस पर मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। शहजादे बयाजत चोरी छुपे महल से बाहर जाते हैं और कुछ मामलात में मुलव्वज़ हैं। मैं चाहती हूँ तुम असल हकीकत मालूम करो। जो हुक्म आपका। सुल्तान मुराद के ये फैसले हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। क्या आपकी मुफ्ती साहब से बात हो गई है? जी बिल्कुल, जितने भी मकान खाली हुए हैं वो अपने आदमियों को दे दिए जाएंगे। आला, इंशाल्लाह सुल्तान मुराद भी ये बात मान जाएंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं जिसको वो मना कर सकें। सब एतबार के और तजुर्बेकार लोग हैं। असल में तो मैं शहजादे बयाजत के बारे में सोच रहा हूँ। उन्होंने एक ऐसे सिपाही को माफ कर दिया जिसे सजाए मौत दी गई थी। हमारे शहजादे इस वक्त आग से खेल रहे हैं। मैं देखती हूँ इस मामले को। शायद किसी ने हमें देख लिया। मलिका, आप हरम जाइए फौरन। मैं तो पकड़ी ही जाने वाली थी नौरीन।
क्या हुआ? किससे बातें कर रही थी गुलबहार सुल्तान? मैं नहीं देख पाई वो क्या बात कर रही थी, सुन भी नहीं पाई, लेकिन मुझे इतना अंदाजा हो गया कि कोई साजिश होने वाली है, और वो साजिश हमारे आका सुल्तान मुराद के खिलाफ है, और हमें इस साजिश को नाकाम बनाना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं मलिका? ना ही हम आका को बता सकते हैं और ना ही कौसम सुल्तान को। एक शख्स है जिससे बात कर सकते हैं, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। ये आपने क्या किया? आखिर आप करना क्या चाह रहे हैं? जिस सिपाही को सजाए मौत दी गई उसे आपने आजाद क्यों किया? क्या ये आपका काम है? आपको ये कैसे मालूम हुआ? सिनान पाशा से मालूम हुआ मुझे। आपका यूं चोरी छुपे महल से बाहर जाना काफी नहीं था? जो ये गुनाह भी अपने सर ले लिया। अगर सुल्तान मुराद को ये मालूम हो गया तो? गलत नहीं किया कुछ, बेकसूर था वो। मैं आका को वजाहत दे दूंगा। हरगिज नहीं, बैठे बिठाए ये वबाल अपने सर लेने की जरूरत नहीं है। किसी तरह हम इस बात की पर्दापोशी कर देंगे। ये समझ नहीं आता कि आप महल से बाहर क्यों जाते हैं। कोई वजह नहीं है वालिदा, महल में बैठे बैठे मैं तंग आ जाता हूँ बस। क्या आपने वो फैसले नहीं सुने जो आपके भाई ने किए हैं? अवाम में बेचैनी फैली हुई है उनसे। खुदा ना खास्ता अगर किसी को मालूम हो गया कि आप शहजादे हैं तो? इजाजत है। सिलितार। मेरी मालिका। सब खैरियत तो है? मुझे लग रहे हो। मैं खैरियत से हूं मालिका। अगर आप आका से मिलने आई हैं तो वो यहां पर नहीं है। असल में मैं यहां तुमसे जरूरी बात करने के लिए आई थी सिलेदार। खैर होगी इंशाल्लाह। क्या मसला है? गुलबहार सुल्तान। मेरी मलिका। दरबान खास। हुसैन आगा। आका ने आपको अपने पास बुलाया है। मैं आ रहा हूं, तुम लोग बाहर इंतजार करो। मुझे हुक्म मिला है कि मैं आपको साथ लेकर आऊं। माफी चाहता हूं। Thank you.
जो चाहती थी वो तुमने कर दिखाया आतिका। कामयाब हो गई, हमें अलग कर दिया तुमने, अब तो खुश हो ना। देख लो आतिका, हो सकता है कि आज के बाद ना देख सको सिलेदार को। तुमने अपने ही हाथों से उसे मौत की तरफ धकेल दिया। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो क्या चाहती थी तुम? तुमने आका को सब कुछ बताकर खुद उसकी मौत का फरमान लिखा है। तुमने सोचा अगर वो तुम्हारा नहीं हो सकता तो उसकी मौत हो जाए। हाँ, मैं बिल्कुल मौत चाहती थी, जिस दिन से तुम दोनों को साथ देखा मरना चाहती थी। मैंने जहर भी पी लिया था, फारिया ने मुझे बचाया था। अपनी बहन के साथ धोखा करके मुझे भी और उसे भी मौत की तरफ धकेलने वाली तुम हो घेवरा। जान ले लेंगे उसकी वालिदा, मैं आपसे उसकी जान की भीख मांगती हूँ। सिर्फ आप ही हैं जो उसे बचा सकती हैं। अगर आप चाहती हैं तो मेहमत पाशा से शादी कर लूंगी मैं। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा, लेकिन आप खुदा के लिए सिलेदार को बचा लें। आपके हुक्म के मुताबिक मैं सिलेदार आगा को ले आया। क्या मेरा वक्त आ गया मेरे आगा? कल क्या होगा हम कुछ नहीं कह सकते वालिदा। क्या मेरे बाबा की जल्दी वफात नहीं हो गई थी? अगर मेरे भाई आका को भी। तुम्हारे मुंह में खाक, ये क्या कह रहे हो? मेरा रब मेरे बेटे की उम्र दराज करे। आमीन वालिदा, मगर प्याजत अकबर शहजादा है, क्या हमें ये सब कुछ सोचकर कोई तदबीर नहीं लेनी चाहिए? अतीका की बातें सुनकर आप अपना फैसला कैसे बदल सकते हैं? आपने वादा किया था मुझसे, आपने कहा था कि मेरी खुशी के लिए जो भी होगा आप करेंगे, क्या भूल गया? मैं जानती हूं जब आपको शदीद गुस्सा आता है मेरे शेर, तो आपके खून की रवानी बढ़ जाती है, मगर एक बादशाह को जोश से ज्यादा होश की जरूरत होती है। तो आप ऐसी जंग का हिस्सा ना बने जो आप जानते हैं कि आप हार जाएंगे। देर हो गई, तीर कमान से निकल चुका वालिदा, जीतूं या हारूं परवाह नहीं।